प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छता अभियान का आगाज किया था। उसी समय से टीम 9 द ऑरेंज आर्मी ने पार्षद दिनेश कावड़ के नेतृत्व में जयपुर शहर में स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम शुरू की थी, जिसमें 2944 दिन से लगातार प्रतिदिन 2 घंटे न केवल स्वच्छता और सफाई को दिनचर्या बनाया, बल्कि पूरे विद्याधरनगर में लाखों पेड़ लगाकर हरियाली के नए आयाम स्थापित किए। इसी कड़ी में रविवार को टीम 9 ने कदम पार्क सेक्टर 1 और फुटपाथ पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया। इस अवसर पर स्नेहलता साबू, सुनील शर्मा, श्याम शर्मा, लकी सिंह, सुशील मंगल, बबीता मंगल, रोहन गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। दो अक्टूबर 2014 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने स्वच्छता दिवस मनाने का निर्णय किया और समस्त आम आवाम झाड़ू लेकर, फावड़े लेकर, पराग लेकर, कुदाल लेकर देश में स्वच्छता अभियान को निकल पड़ा। और उसी दिन से टीम 9 ने भी अपना स्वच्छता अभियान चालू किया जयपुर में, और आज 2944 दिन का एक बहुत बड़ा पड़ाव टीम 9 ने हासिल किया। आज 2 अक्टूबर था, इसलिए जो प्रतिदिन हमारा 2 घंटे का श्रमदान अभियान रहता है उसको बढ़ाकर आज 4 घंटे किया। काफ़ी संख्या में यहाँ पर स्त्री पुरुष आए और श्रमदान में भाग लिया। साथ ही हमने लगभग 200-250 की संख्या में आज नए पेड़ लगाए। कदम पार्क के बाहर जो ग्रीन बेल्ट है उसको हमने साफ सुथरा करके और पेड़ लगाए। साथ ही सबसे निवेदन करना चाहते हैं कि स्वच्छता हर जगह दिखनी चाहिए, घर हो, चौराहा हो, कॉलोनी हो, नगर हो, शहर हो। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो स्वच्छ